मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कॉलेज के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। मोहन यादव ने बताया कि अब उच्च शिक्षा में भारत के गौरवशाली विषयों को पढ़ाया जाएगा, हमारे महापुरुष को लेकर जानकारी दी जाएगी, फिर वह चाहे महाभारत हो या रामायण हो। वहीं हिंदू धर्म के विषयों को जोड़ने पर कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। अब मध्य प्रदेश के कॉलेजों में हिंदू धर्म की पढ़ाई की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारे देश का गौरव रहे महापुरुषों के बारे में पढ़ाया जाएगा। छात्र भगवान राम, हनुमान और तुलसीदास की जीवनी पढ़ेंगे। वेद, उपनिषद और पुराणों की शिक्षा दी जाएगी। बीए फर्स्ट ईयर के दर्शन शास्त्र में नया पाठ्यक्रम जोड़ा गया है। बीए के छात्रों को वैकल्पिक विषय पढ़ाया जाएगा और यह इसी सत्र से लागू होगा। नई शिक्षा नीति के तहत नया पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। मोहन यादव ने यह भी कहा कि लोगों ने राम सेतु तोड़ने की साजिश की थी, भविष्य में बुरी शक्तियां धर्म को नुकसान ना पहुंचा पाएं, इसलिए नैतिक और धार्मिक शिक्षा जरूरी है। वहीं हिंदू संगठनों ने इस कदम को सराहनीय बताया और कहा कि पाठ्यक्रम में धर्म के विषय को जोड़ने से समाज को एक सही और नई दिशा मिल पाएगी। उन्होंने कहा सनातन धर्म बहुत पुराना है, इससे समाज को सीखने के लिए मिलेगा। हमारे अपने बीए साइंस ऐसे कई विषयों को लेकर के नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जब अपना सिलेबस लागू कर रहा है तो हमारे गौरवशाली अतीत को भी हम सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो हमारे धर्मग्रंथ से भी जुड़े हों, रामायण हो, महाभारत हो, या हमारे गौरवशाली महापुरुषों का जीवन हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, रानी अवंतीबाई हो, या देवी अहिल्या हो, अगर विक्रमादित्य हो, राजा भोज हो, इन सारे महापुरुषों के चरित्र को लेकर के भी हम सामने आने का प्रयास कर रहे हैं और इन सब के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी अपनी गौरवशाली अतीत को पढ़ने का, समझने का मौका भी मिलेगा और प्राचीन साइंस, ज्ञान विज्ञान को भी विद्यार्थी समझ पाएंगे। बेटी बचाओ मंच जो है सरकार के इस निर्णय का सहर्ष स्वागत करता है, हृदय से अभिनंदन करता है। जब बाबर और हुमायूं पढ़ाया जा सकता है, टीपू सुल्तान पढ़ाया जाता है और मदरसों में जो है उनके धर्म की जब शिक्षा दी जा सकती, तो अगर हमारे हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती है तो क्या बुराई है? ईसा और मूसा की उत्पत्ति तो बाद की है, सत्य सनातन धर्म तो पीढ़ियों पुराना, वर्षों पुराना है, शताब्दियों पुराना है। तो अगर धर्म की शिक्षा दी जाती, जो लोग राम को काल्पनिक बता सकते हैं, राम सेतु को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, उन्हीं लोगों को इससे आपत्ति होगी। वहीं कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा है कि इंजीनियरिंग के छात्रों को तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं है, रामायण महाभारत पढ़ाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है ताकि राजनीति में इसका फायदा लिया जा सके। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सरकार की शिक्षा नीति को गलत बताया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है कि अब इंजीनियरिंग के छात्रों को राम सेतु के बारे में पढ़ाया जाएगा, रामचरितमानस, महाभारत, रामायण के बारे में पढ़ाया जाएगा, हेगड़े वार, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पढ़ाया जाएगा। अरे इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ने की आवश्यकता है तकनीकी शिक्षा की, तकनीकी ज्ञान की, विश्व की बेहतर तकनीकी शिक्षा की कि किस प्रकार से हम नई नई तकनीकों का उपयोग कर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छे निर्माण कार्य कर सके। अभी देखें मध्य प्रदेश के अंदर हाल ही में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बाढ़ आई, किस प्रकार से 350 से अधिक छोटे पुल पुलिया बह गए, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, सड़कें ध्वस्त हो गई, तो अच्छे तकनीकी ज्ञान की उन्हें आवश्यकता है। धर्म और तकनीकी शिक्षा अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम करती है, वो इसमें भी धर्म को ला रही है। अच्छा मस्ती और मुझसे कौन कहता है पनीर सीधा साधा होता है? ये ना तो सीधा है ना सादा, चटपटा है। नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, स्पाइस इन्फ्यूज पनीर, खाओ कभी भी कहीं भी। मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, पनीर पे अब मस्ती चढ़ गई। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी। वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण परियोजना, उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए
उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।